प्राथमिक विद्यालय मुबारकपुर नंबर एक। आज सभी बच्चों को कंपटीशन कराया गया है रंगोली बनाने का है, तो हमारे बच्चों को तो मैं लंच के बाद कराऊंगा, लेकिन कुछ बच्चे आए हुए हैं। ये बेटा कौन से विद्यालय से आए हो आप? स्वामी कल्याण देव से। वहाँ फूल नहीं है? नहीं। तो ये बच्चे फूल लेने आए हैं। अब हनी इधर आओ। हनी ने अच्छे अच्छे बहुत बड़े गुलाब के छोड़ के, क्योंकि गुलाब के कम है, इन्हें अपना पीले और जैसे ये चाहे वैसे फूल इनकी पन्नी भरवा दो, ठीक है बेटा? स्वामी कल्याण देव के बच्चे आपके यहाँ फूल लेने आ रहे हैं रंगोली बनाने के लिए, कितनी अच्छी बात है। चलो बेटा ले लो आप। देखो इधर आओ, मैं बताता हूँ। एक तो यहाँ से ये पीले फूल ले लो, है ना, तोड़ लो तोड़ लो तोड़ लो। पीछे देखो, फ्रंट में जो आ रहे हैं ना वो मत तोड़ना, जो बैक साइड में आ रहे हैं। देखो ये ऐसा नहीं, कोई कहीं से कोई कहीं से वाला। हाँ। ज्यादा नहीं। देखो कितनी अच्छी बात है सर, दूसरे स्कूलों से बच्चे आ रहे हैं फूल लेने, क्योंकि यहाँ पे आपने फूल करके मेहनत करके बनाए हैं। दे दो फूल, पन्नी भर दो, और चाहिए बेटा और ले जाना, ठीक है? और इधर आ जाओ, मैं दिलवाऊं। चलो दो दो बेटे, दो बच्चों को दो, भर दो। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। एक जगह से नहीं, कहीं कहीं से, कोई बीच बीच में से। ये लो ये वाला गेंदा दो, ये वाले बेटिया इधर आ जाओ आप। आराम से तुम इन दोनों इसमें से तोड़ लो, जितने चाहिए तोड़ लो, आराम से तोड़ो। देखो फूल इसलिए होते हैं, है ना। लेकिन अपने भाइयों से कह देना यहाँ आकर क्रिकेट ना खेले करें, उससे फूल नाश हो जाता है। कोई बात नहीं बेटे, मतलब ये है कि जो धोरे पड़ोस के है ना, भर दो इनकी पूरी पन्नी। और चाहिए बेटे और ले जाना, ठीक है? ये गुड़िया खुश होके जानी चाहिए यहाँ से। तोड़ लो, रंगोली बढ़िया बननी चाहिए। तेरा नाम नहीं बताया बेटे अपनी? आराध्या वर्मा। अच्छा शाबाश, ये वाले फूल भी दे दो इन्हें बच्चों, ये वाले फूल नीचे कर लो। इसे चाहिए बेटे ये वाले भी? लो ये वाले गुच्छे के गुच्छे फूल तोड़ के दे दो इन्हें, पन्नी भर दो इनकी। सुबोध जी एक बार हमारी तरफ भी घुमा दो कैमरा। लो बच्चों, ए बच्चों, लो बेटा ये भी ले लो। और तुम सुबह नहीं आए, मैं तो हार श्रृंगार पे से इतने सारे फूल, बहुत सारे गिरते हैं, हैं? खुशबूदार फूल। और चलो बस बेटे, चलो ओके। चलो बच्चे यहाँ से हटो, प्रेयर के लिए चलो सब। अन्य विद्यालय के बच्चे भी, और इसी के साथ साथ गांव में जब पूजा वगैरह होती है, त्योहार आते हैं, तो ग्रामीण अपने बच्चों को भेज देते हैं कि कहीं नहीं मिलेंगे फल, तो मिल जाते हैं क्योंकि फल वाले की दुकान है, लेकिन फूल नहीं मिलते। तो कहते हैं जाओ सरकारी स्कूल में फूल जरूर मिलेंगे। ये हमारे लिए उपलब्धि की बात है, ये हमारे लिए बहुत उपलब्धि की बात है। और ये बच्चे एकदम लाइन में खड़े हुए, एकदम लाइन में खड़े हुए प्रेयर करते हुए। ये जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब इतने बच्चे एबसेंट हैं अभी। पूरे 70 डॉट्स हैं, 70 बच्चे आते हैं पूरे भर के जब आते हैं, जितने डॉट्स खाली रह जाते हैं उतने बच्चे मतलब पहुंचे नहीं है अभी। कितना सुंदर, आपको मैं दिखाता हूँ। ये सीजनल है, सीजनल खत्म हो जाएगा तो नीचे से कुछ और आ रहा है, इसमें लगा रखा है हमने, यहाँ पे शायद नहीं है। खैर यहाँ पे ये है, सीजनल है, सीजनल खत्म हो जाएगा तो ये नीचे तैयार हैं। गुड़हल बहुत प्यारा कलर गुड़हल का, और इसी के अलावा यहाँ बोगनविली और लगाया था, पीछे आ रहा है दिखाई नहीं दे रहा। हाँ यहाँ पे ये देखिए, ये सीजनल है, ये गुड़हल ये खत्म हो जाएगा, गुड़हल आ जाएगा, गुड़हल अपने आप में फिर आगे तक रहेगा। ये यहाँ पर ये
आपका ये जो है बोगनविलिया, ये बोगनविलिया देखने पे सूखा लग रहा है लेकिन पत्ते हरे हैं। बोगनविलिया, बोगनविलिया क्या करेगा, क्योंकि दीवार नीची है तो एक वायर लगा के इस पे बोगनविलिया चढ़ा देंगे, तो प्रोटेक्शन को देखेगा बोगनविलिया। ये देखिए कितना सुंदर, हर एक के अंदर यहां से अगर लुक देखें कितना अच्छा लगता है। लुक ये आती है हमारे यहाँ पे विद्यालय की सफाई के लिए, रानी। रानी हाँ, विद्यालय की सफाई आप ही करती हो ना? हाँ जी। सारे विद्यालय की, भाई हम इनके बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं इन्हें कि ये सारे विद्यालय को रोज आके सुबह साफ कर देती हैं। जाओ बच्चों आप लोग जाओ, यहाँ पे देखिए ये पीछे गुलाब, विदेशी गुलाब है ये, एक गुलाब, दो गुलाब, नींबू, ये भी पास पास है, थोड़े बड़े हो जाएंगे अलग अलग कर देंगे। ये बैंगन, तुलसी, और ये सीजनल है, ये करौंदा, करौंदा इधर, ये बैंगन, अमरूद, ये गुलाब। जब आप इसकी आउटपुट देखेंगे ना गुलाब का, गजब का आउटपुट। और ये नींबू, ये सीजनल है, ये तुलसी पत्ते बच्चे खाते रहते हैं लेके, और ये तुलसी, ये करौंदा, करौंदे के तो तीन चार पेड़ इतने हो जाएंगे पूरा गांव लिए जाओ। ये बैंगन, ये गुलाब, गुलाब हर लाइन में, ये सीजनल, और ये आपका गुड़हल, गुड़हल के साथ ये गुलाब, और ये बैंगन। ऐसे ही आगे ये राजेश हैं, राजेश इसको बहुत सुंदर बनाने के लिए, राजेश जी आपको क्या लग रहा है विद्यालय कौन से नंबर पे होगा इस समय? वास्ते नंबर वन पर होगा आज, नंबर वन पे, पहले से नंबर वन है वैसे तो, नाम तो नंबर वन पहले से ही है। अच्छा आपकी उम्र कितनी हो गई? 35 साल। 35 साल इसी गांव में रहते हो? 35 साल में कोई ऐसा समय जब इस तरह इतना सुंदर विद्यालय? ऐसा कभी नहीं आया। पढ़ाई वढ़ाई में? पढ़ाई में भी नहीं आया। मतलब मेरी वजह से बोल रहे हो झूठ या? ना जी, है ही अच्छा। सही में? सही में। आपके बच्चे कितने कितने हैं? 3 है। इसी स्कूल में पढ़ते हैं? कौन कौन सी क्लास में? 1 3 में, 1 5 में। अच्छा बच्चे कितनी देर पढ़ते हैं घर पे? 2 घंटे पढ़ते हैं जी। वो ही पढ़ते हैं या औरों के बच्चे भी 2 घंटे? तो चलो बहुत बढ़िया। तो ये जो है ये अपना यहाँ पे इसकी जो बाउंड्री है ये बना रहे हैं, ये मैं अपने आप बनवा रहा हूँ। ये तुलसी है, ये अलग कलर में है ये फूल। इसका नाम राजेश, क्या नाम है इसका? मुझे ध्यान नहीं यार इसका ही नाम है जो नाम। ये बैंगन है, ये अभी पास पास दिख रहे हैं क्योंकि जब बड़े हो जाएंगे तो इन्हें रिमूव कर देंगे। ये गुलाब, ये आपका करौंदा, ये बैंगन, ये बैंगन, ये बैंगन, ये सीजनल हो गया, और उधर वो तुलसी हो गई। अब आगे चलते हैं, ये सीजनल हो गया, ये तुलसी हो गई, ये गुलाब हो गया, ये बैंगन हो गया, ये यहाँ पे वो बोगनविलिया। क्यों हो गया बोगनविलिया? यहां से दीवार पे ये बोगनविलिया चढ़ जाएगा तो कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा, बाउंड्री के लिए बोगन, दीवार छोटी है इसलिए बोगनविलिया। बैंगन, ये नींबू का पेड़ है, ये नींबू सारे जो दिखाए हैं लगभग संतरा भी क्या मौसमी के साइज के हैं, और इनमें बीज नहीं है। एक नींबू निचोड़ लो आप तो वो असल में नींबू, एक नींबू निचोड़ने वाला आता, उससे भी नहीं निचोड़ा जाता क्योंकि साइज बड़ा है। तो ये नींबू जो है एक नींबू में आधा गिलास भरता था, स्पेशल मैं अपने घर से लाया हूं इन्हें। ये सीजनल आ गया, ये तुलसी आ गया, तुलसी लेने के लिए लोग गांव में से आ जाते हैं। ये आपका ये मतलब बाउंड्री के लिए जो है बोगनविलिया, और ये बैंगन, और ऐसे ही ये गुलाब, गुलाब तो बाहर कर देगा जब आएगा, बैंगन, तुलसी, और ऐसे ही ये गुलाब, तुलसी, और इधर ये शायद सूख गया, हो सकता हरा हो जाए। तो यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है ये सारा परिवेश। अब आ जाइए इधर पोषण वाटिका, ये पोषण वाटिका में बच्चे इसका स्वाद लेते हैं। ये मेथी है, इसके बाद हम आ जाते हैं आगे पालक पे, ये पालक है, इससे गांव का पेट नहीं भर सकता, किचन का पेट नहीं भर सकता, लेकिन बच्चों को ये लगाना, काटना, पानी देना, खाद देना, इस्तेमाल करना, स्कूल का जो पर्पज है कि हमें तो सिखाना है, बच्चे को ट्रेंड करना है। सरसों, और ये मेरे ख्याल से गोभी है,
ये बैंगन है, बैंगन में कुछ बैंगन तोड़ लिए गए हैं, अभी छोटे छोटे बैंगन आ रहे हैं, ये छोटे छोटे बैंगन आ रहे हैं। और ये आपका वो मेरे दिमाग से इसका नाम निकल गया। ए बेटा यार ये क्या है, ये मैं दिमाग से नाम निकल गया इसका, ये हाँ पुदीना, ये पुदीना है, ये पुदीना है, ये बहुत सुंदर मतलब पोषण वाटिका, इसके लिए कोई पैसे वगैरह नहीं आए, लेकिन गजब। अब इधर आ जाते हैं, ये वर्किंग, ये हर जगह लगे हैं, हर स्कूल में लगे हैं, लेकिन वर्किंग कितनी जगह है इट इज अ डिफरेंट मैटर। तुलसी ये वृक्ष बनेगा, लेकिन लाइन से, बिजली की लाइन से ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा, मरवा बच्चे खाते हैं पेट के कीड़ों के लिए। और ये जो है, ये है आपका, अब मैं अति उत्साह में हूँ नाम बोल रहा हूँ, मोगरा, ये मोगरा है, ये पूरी हैज लगा रखी है ड्यूरेंटा की, ड्यूरेंटा हैज। ये आपकी तुलसी है, ये तुलसी है, ये आपका जामुन है, ये ड्यूरेंटा है सर, ये आप देख रहे हैं, ये भी एक फूल है, इसका ध्यान शायद चमेली है, चमेली, अब इसे फूल भी आने लगा, ये बढ़ आ रही है, ठीक है। ये मोगरा है, मोगरा पे जब फूल आएगा पूरा विद्यालय महकेगा, बच्चे फूल इकट्ठा करके, ये देखे बच्चे फूल इकट्ठा कर रहे हैं, बल्कि मैं आपको और दिखा दूं, ये अमरूद का पेड़ है, ये मोगरा का, इसका ये बच्चे तोड़ते हैं मरवे का, बच्चे इधर आओ, आप ये खाते हो, क्यों खाते हो, आप बताओ क्यों खाते हो, सर जी पेट में दर्द ना हो, पेट में दर्द नहीं होता, कीड़े नहीं होते, सर जी गुड़गा चल गया, ये बॉटल ब्रश है, बॉटल ब्रश। और ये बच्चे देखो, दिखाना बच्चों, ये पेड़ पे से लड़कियां तोड़ रही हैं, हालांकि सुबह गिर चुके हैं, जो बचे हुए वो तोड़ रही हैं। ये है आपका पारिजात वृक्ष, जो मोदी जी ने बनारस में लगाया था, ये भी पारिजात वृक्ष है, बॉटल ब्रश। अभी ये कटिंग हो गई इसकी, लेकिन जब ये अपनी सुंदरता पे आएगा तो गजब, दोनों तरफ ऐसे आ जाएगा। ये आपका बोगनविलिया है, गेट के इधर भी एक बोगनविलिया तैयार हो गई है। हाँ बेटा, आज कोई बात नहीं बेटा। तो ये आपने देखा, विद्यालय इतना सुंदर है, और सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये जो, अच्छा बच्चों मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, एक बात हनी सुनो, सब बच्चे सुनो, आप ये बात बताओ, ये जो सुंदर विद्यालय है, ये ब्लॉक में कौन से स्थान पर बताया गया, मुझे भी ये फोन पे ही पता चला है, मुझे भी फोन पर ही पता चला है, बताया गया, ठीक है। अच्छा, इसे नंबर एक बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, नहीं पढ़ाई से नहीं, क्या नियम, नहीं सफाई भी नहीं, वो क्या है, वो श्रमदान, बिल्कुल श्रमदान, श्रम क्या बोलो, श्रमदान, कितनी देर श्रमदान, दो घंटे, दो घंटे में पूरे जिले का हो जाएगा, केवल 10 मिनट का श्रमदान। अब श्रमदान करके दिखा दो जल्दी, सब बच्चे श्रमदान करके दिखाओ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, सब बच्चे श्रमदान, केवल 2 मिनट के लिए कर दो श्रमदान। ये देखिए बच्चे, जो जिसको कूड़ा दिखाई दे रहा है क्यारियों में से, जो भी दिखाई दे रहा है कूड़ा, आ गए अपने मोड में, ये श्रमदान करने के लिए, लो फेंक दो, ये श्रमदान, ये अति उत्साह के साथ सब बच्चे, किसी के कहने की जरूरत नहीं, हर बच्चा, आप मॉनिटर बनोगे, लाओ आपके में हनी, इसका मॉनिटर बनाओ, इसको ये मॉनिटर बनेगा, पूरी क्लास को माइंड करेगा, भाई इसके चुभाना देना, शर्ट पे लगाओ, चुभानी देना, ये मॉनिटर बनेगा, मॉनिटर बने के माइंड करेगा, और इसी के साथ साथ इसको आउट पास देंगे, यानी इस आउट पास के साथ इस क्लास से केवल एक बच्चा बाहर आएगा, केवल एक बच्चा, इस प्रांगण में एट अ टाइम केवल एक बच्चा ही आपको दिखाई देगा। बच्चों बस श्रमदान बंद कर दो, केवल 2 ही मिनट करना था, क्योंकि आज कर चुके हैं सारा श्रमदान, आज कर चुके हैं। ये देखिए ये गुलाब के फूल, अजीब बात ये है कि ये फूल और ये फूल, बैठो भाई, ये फूल दोनों मिल जाएं कहीं पे, ये संभव नहीं है, लगभग असंभव है, ये तभी संभव है जबकि, हनी ये पकड़ना, इस पे हाथ ना आए, ये तभी मेरा आ रहा है, ये तभी संभव है जब अनुशासन, बच्चों में अनुशासन हो, छोटे छोटे बच्चे ये फूल नहीं तोड़ते,
ये फूल क्या आंगनबाड़ी के बच्चे वो भी फूल नहीं तोड़ते, ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया? ये केवल एक बात नहीं है, पूरा एक सिस्टम है, इट इज अ सिस्टम। आप देखिए चारों तरफ फूल ही फूल। कल एक दो व्यक्ति आए थे, वो कह रहे थे कि मैं ऐसा स्कूल उन्होंने नहीं देखा, आई मीन टू से प्राइमरी स्कूल, ये प्राइमरी स्कूल नहीं देखा। गुलाब इस तरह से खिले हुए हैं, बच्चे तोड़ सकते हैं, लेकिन मजाल है ये गुलाब खिले हुए हैं, लेकिन तोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और ये सब बच्चे श्रमदान करते हुए, ये सूखे पत्ते कोई मुश्किल नहीं है, एक बच्चे के लिए 5-7 मिनट लगाना, दिखाना आपने क्या लिया, ये कूड़ा ले लिया केवल हाथ में, ये कूड़ा, वेरी गुड, शाबाश, बस श्रमदान में यही भर पाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा जो बच्चा जो 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 जिसके मन में आता है, हाँ ये वेरी गुड, ये क्यारी नला के और खाद मिक्सिंग कर रहे हैं। बेटा आप कितनी देर करते हो ये? 10 घंटे। 10 घंटे? 10 घंटे का तो स्कूल भी नहीं होता। 10 मिनट है? 10 मिनट, केवल 10 मिनट? 10 मिनट में इतना कुछ हो जाता है? वेरी गुड, शाबाश, आप भी नलाई कर रहे हो, ये खाद मिक्सिंग कर दो। विद्यालय में कोई बाहर का व्यक्ति इंटरफेरेंस नहीं करता, आई मीन टू से इन द फॉर्म ऑफ हेल्प, कोई हेल्प नहीं, स्वयं ही स्वानुशासन, इस विद्यालय की खासियत यही है, स्वानुशासन, बच्चे स्वानुशासित हैं। आपको एक भी बच्चा ऐसा दिखाई नहीं देगा, इवन ये आंगनवाड़ी के बच्चे हैं ये भी साफ कर रहे हैं, एक भी बच्चा ऐसा दिखाई नहीं देगा जो कुछ ना कर रहा हो, हनी हनी जो कुछ ना कर रहा हो, कोई बच्चा ऐसा दिखाई नहीं देगा। बेटे फूल फूल सारे लेके फेंक दो, बहुत बढ़िया, ये देखिए ये सब्जी में डलने के लिए धनिया है, धनिया काट के जो भोजन माताएं हैं धनिया लेती हैं, ये आंवला है और ये बैंगन है, ये चना है और ये भोजन माताएं अभी भोजन बना रही हैं, ये भी फूलों से चारों तरफ, चाय बनाती हैं तो तुलसी डाल लेती हैं फूलों से लदा हुआ, और जब इन्हें खाना बनाना होता है तो यहाँ से धनिया ले लेती हैं और सब्जी में डाल देती हैं चना चना, और इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया कि प्राथमिक विद्यालय मुबारकपुर नंबर 1 हमारा स्कूल तो है, आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए जहां था, जिस स्थिति में प्राप्त हुआ था उस स्थिति से थोड़ा सा ऊपर, बस इतना ही कहना है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सारे ही बच्चे क्या है इसमें, ये कोई श्रमदान है? कुछ नहीं, एक बच्चा जितना हाथ में आ जाए मुट्ठा उतना कूड़ा ले लिया, बस हो गया श्रमदान। 10 मिनट जैसे ही होंगे एक सीटी बजेगी और सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे, एक सीटी बजते ही सबको पता है 10 मिनट में सीटी बज जाती है। और ये आइए किचन में चलते हैं, ये सजाई हुई किचन है, ये मैंने ही डेकोरेट किया है, वैसे तो इसको सुंदर बनाने के लिए भोजन माताओं से मिलते हैं। ये है आपका नाम बताइए, कितने साल हो गए यहाँ? जी हो गए 15 साल। 15 साल हो गए, आप क्या बना रहे हो? ये हरी मिर्च काट रही हूँ। हरी मिर्च काट रही हो, क्या बनाओगे आज? सब तारी बनेगी। बच्चे पसंद करते हैं आपका बनाया खाना? हाँ जी। क्या कहते हैं? आज बहुत अच्छा खाना बनाया। आज बहुत अच्छा, ये इन्होंने अच्छा वेल मेंटेन कर रखा है किचन। ये मैंने स्लैब डलवा दी थी, जो स्लैब अक्सर होती नहीं है, ऐसे खुला होता है, लेकिन वो स्लैब सिस्टम मैंने करा दिया ताकि कोई गंदगी नीचे ना रहे। ड्रम वगैरह लाके दे दिए आटा और चावल के लिए, और ये सारा सुंदर इन्होंने अपने हिसाब से लगा रखा है। तो ये हुई किचन, और ये सब है ये हमारे यहाँ के भीष्म पितामह, ये हमारे यहाँ के हनुमान जी, बगैर इनकी सहायता के कुछ नहीं हो सकता, बगैर इनकी सहायता के कुछ नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, ये सब बेटा 2 मिनट बचे हैं, बस 2 मिनट, केवल 2 मिनट। मोटा मोटा जो है वो तो ये करती ही हैं, सी सफाई करनी, रानी मैंने बता दिया इनका, ये ध्यान रखती हैं, मेन काम तो यही करती हैं, लेकिन ये क्यारियों में से ये धनिया तोड़ना और
मतलब ये है कि बच्चों को हर चीज सीखनी है, बच्चों को सीखनी है। ये प्राथमिक विद्यालय मुबारकपुर नंबर एक, जहां नजर जाएगी वहां कुछ ना कुछ टीएलएम मिलेगा, जहां नजर जाएगी। ये बहुत बढ़िया टीएलएम है, इससे आप एलसीएम, एचसीएफ, नंबर्स, फिल इन द ब्लैंक सब कुछ सीख सकते हैं। अंदर जाएंगे तो सुंदर स्वच्छ कमरे, हालांकि बिल्डिंग पुरानी है, बिल्डिंग पुरानी है, लेकिन साफ कपड़े, मेजपोश, और ये चार्ट, पहाड़े का चार्ट, गिनती का चार्ट, जितने चार्ट्स हैं सब भरे मिलेंगे। ये लड़कियां अति उत्साह में, बेटा आप कौन सी क्लास में हो? फाइव में। पहाड़े कहाँ तक याद है? 26 का, 26 का सुना दो। 26 कम 26, 26 दिन 52, 26 तिया 28, 26 चौका 104, 26 पंजे 27, 26 छीका 156, 26 सत्ते 180, 26 अट्ठे 208, 26 मिनट 234, 26 दाई 260। बहुत बढ़िया, 26 का पहाड़ा ही नहीं याद है। आप कौन सी क्लास में हो? 25 में, वो 5 में। 5 में, आपको कहाँ तक पहाड़ याद है? 25 तक के। 24 का सुना दो, क्योंकि 25 का तो आसान होता है। 24 कम 24, 24 दिन 48, 24 तिया 72, 24 चौका 96, 24 24 पंजे 120, 24 छिका 144, 24 सत्ते 168, 24 अट्ठे 184, 24 निमा 216, 24 धाम 240। बेटा आपकी कौन सी क्लास है? इधर आओ। फोर्थ क्लास। पहाड़े कहाँ तक याद है? 30 तक। 29 का सुनाओ। 29 का 28 का सुनाओ। 28 जिधर निगाह जाएंगे। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? सुल्तान। सुल्ताना, कहाँ तक पहाड़े याद है? 30 तक। 28 का सुनाओ। 28 28 जोर से। 222, 224, 222, 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 222
हमारे यहाँ की। आओ जरा चेयर डालो मेरे लिए भाई। 28 तो सबसे बड़ी क्लास है। आप इधर आओ, आप आओ बेटे। आप उंगली पे गिनती गिनते गिनना जानते हो? दिखाओ हमें, दिखाते बोलो गिनते हुए। हाँ जोर से बोलो। 28 ऐसे ये इसी की हेल्प से घटा भी सकते हैं। आप बताओ आपकी क्लास कौन सी है? दो। यार लग तो आप एक वाले रहे हो, है क्लास दो। आप ये बताओ कि चार सैकड़े जो है, चार सैकड़े हैं, चार सैकड़े में कितनी दहाइयां होती हैं? 40। ओ माय गॉड, आपको पता है? इधर आओ। एक सैकड़े में कितनी दहाइयां होती हैं? 10। 3 सैकड़े में कितनी दहाइयां होती हैं?